वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जीके स्पेशल क्लासेस के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और रोजाना अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। ई विद्या वाहिनी योजना सरकार की चालू की गई थी कि शिक्षक और पारा शिक्षक दोनों की हाजिरी बायोमेट्रिक बनानी है, लेकिन ये व्यवस्था लागू होने के पहले ही आंधे मुंह गिर गया है और शिक्षक और पारा शिक्षक दोनों को दिक्कत शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि योजना नवंबर 2018 से शुरू होने का था, लेकिन इसे पूरे झारखंड राज्य के अलग अलग क्षेत्र में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के 10-10 ऐसे प्रखंड को चुना गया था जहां पर ट्रायल के तौर पर ई विद्या वाहिनी योजना के द्वारा टैब को एक इंटरनेट के माध्यम से सरकारी ऑफिस के साथ सेंट्रल एक ऑफिस के साथ जोड़ देना। अब ये योजना शुरू की गई और शुरू की गई तो जैसे ही टीचर 8 बजे अटेंडेंस बना रहे हैं, उनका वहां पर जहां पर अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रहा है वहां वो चल रहा है 9 बजे के टाइमिंग में, 8 बजे हो जा रहा है 8:30 बजे सुबह में। इसी प्रकार से छुट्टी का समय अगर टीचर निकल रहे हैं 4 बजे तो रिकॉर्ड हो जा रहा है 5 बजे, टीचर निकल रहे हैं 3 बजे तो रिकॉर्ड हो जा रहा है 4 बजे। सवाल उठता है कि जब ट्रायल में ही सारा कुछ फेलियर हो गया है तो नवंबर महीने में सक्सेस कैसे होगा और ऐसे में शिक्षक और पारा शिक्षक दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब आपको समझाते हैं कि ये दिक्कत आखिर हो क्यों रहा है। झारखंड सरकार के अंतर्गत चलने वाले अधिकांश सरकारी स्कूल रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन किसी न किसी कारण से नेटवर्क फेलियर होता है, यानी कि इंटरनेट का नेटवर्क फेलियर हो जाता है। ऊपर से सरकार अगर BSNL के ब्रॉडबैंड से चल रहा है तो नेटवर्क का फेलियर होना स्वाभाविक होगा, आप इसको फील भी करते होंगे। और ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि जब नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है, कभी कभी नेटवर्क 10 बजे आता ही है, तो जो टीचर 8 बजे अटेंडेंस बायोमेट्रिक का लगा रहे हैं तो जैसे ही नेटवर्क मिलेगा वो ओके दिखाए, तो कोई टीचर 8 बजे आता हो और कोई टीचर ड्यूटी 9:30 बजे आता हो, दोनों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस एक समय पर जाएगी और ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगा टीचर और उनकी सैलरी कटने की शुरुआत हो जाएगी। पहले से कम पेमेंट, पहले से विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा था कि पेमेंट बढ़ाइए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की है। हालांकि सफाई कर्मियों का पेमेंट जो है वो लगभग 800 रुपये बढ़ाया गया है और उनके बच्चों के लिए सुविधा दी गई है कि उनके जो बच्चे हैं वो अगर नर्सरी क्लास से लेकर के क्लास 8 तक पढ़ाई कर रहे हैं, 9th तक पढ़ रहे हैं, तो 5,000 रुपया प्रति वर्ष उन्हें मिलेगा और अगर वो बच्चा कॉलेज में जाता है तो 10,000 रुपया मिलेगा, ग्रेजुएशन कर लेता तो 20,000 मिलेगा। ये सफाई कर्मियों के लागू हुआ है, सफाई कर्मियों के लिए शिक्षा विभाग में ऐसा कोई भी मसौदा नहीं आया है। ई विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना है और इसके द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा सभी स्कूलों को एक दूसरे से लिंक करना है और सभी बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देना है जिसमें बच्चे भी कंप्यूटर की नॉलेज ले पाएंगे। गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया है कि आने वाले समय में सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड होती है और बच्चों को भी टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, इससे पहले टीचर को अपग्रेड कर देना है। हाल के 2-3 वर्ष पहले ही सारे स्कूल में टैब प्रोवाइड किया गया था कि उन्हें स्मार्ट क्लासेस दिया जाए। इतने स्कूल में रन कर रहा है, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इसमें आप जरूर भेजिएगा कि किस किस स्कूल में स्मार्ट क्लासेज है जहां पर पूरी बोर्ड कंप्यूटराइज है और कंप्यूटर से ही पढ़ाई होती है, किस किस गांव में इस योजना को लागू किया गया है। हम तो पूरी झारखंड में हर स्कूल में नहीं गए हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई को लिखेंगे तो शायद सरकार भी देखेगी और लोग भी देखेंगे कि वास्तव में ये विकास हुआ है अथवा नहीं हुआ है। पारा शिक्षक और शिक्षकों को लेकर के इन दिनों 2-3 अलग अलग प्रकार से आंदोलन चल रहा है। शिक्षक के एक गुट का मानना है कि पारा शिक्षक नहीं भी रहे तो स्कूल चल जाएगा,
हमारे कमेंट बॉक्स में भी हजारों की संख्या में टीचर्स ने ऐसे कमेंट किए हैं कि पारा शिक्षकों को हटा देना चाहिए। झारखंड में लगभग 67 से 68 हजार पारा शिक्षक है। सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में 68 हजार टीचर को हटा दिया जाए तो स्कूल चल पाए, क्योंकि वर्तमान में जो स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सरकार के ऊपर खर्च है, इसे देखकर लगता है कि पारा शिक्षक जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उसके अनुपात में उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है, यानी कि उन्हें वो मानदेय मिलना चाहिए, वो सैलरी मिलना चाहिए जो समान काम के लिए समान वेतन के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार ने देने का फैसला लिया है। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है करने के लिए, और झारखंड सरकार को भी क्या इस दायरे में लाना चाहिए। 68 हजार शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और उनका कई विभिन्न चरणों में आंदोलन चल रहा है। विधानसभा घेराव के पहले की जितनी आंदोलन है वो उनकी शुरुआत हो गई है, और उन्हें उम्मीद है कि अगले चुनाव के पहले तक उन्हें परमानेंट कर दिया जाए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जजमेंट ये दिया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी 10 वर्ष से काम कर रहे हैं बिजली विभाग झारखंड में, उन्हें परमानेंट कर दिया जाए। क्या ये नियम टीचर वाले पर भी लागू होगा कि जो पारा शिक्षक अस्थायी तौर पर 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, क्या उन्हें अस्थायी कर देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि 10 वर्षों से काम करने वाले सारे लोगों को अस्थायी कर दिया जाए, प्लस ऐसे व्यवस्था की जाए कि ऐसी नौबत नहीं आए, मतलब कितना पेमेंट दिया जाए कि फिर से बार बार मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, कोई भी जानकारी झारखंड से संबंधित होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, और वह ऑथेंटिक होगा। और आपको ये चैनल कैसा लगता है ये भी जरूर लिखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और हमें जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू।